हेलो एंड वेलकम टू गोरा रिव्यूज, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज़। आज हम इस चैनल पर देखने वाले हैं बेबी इसेंशियल्स के तीन प्रोडक्ट्स, जिसमें से पहला है ये सन बेबी की तरफ से पॉटी ट्रेनिंग पॉट, दूसरा प्रोडक्ट है किडो की तरफ से सेफ्टी लॉक्स, और तीसरा प्रोडक्ट है डियरजॉय की तरफ से ये हेलमेट, और उसके साथ मुझे ये नी पैड्स भी मिले हैं ग्रे कलर के। तो नी पैड्स और हेलमेट का ये कॉम्बो सेट है। तो आइए एक एक करके हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डियरजॉय की तरफ से इस सेफ्टी हेलमेट का रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म यूसेज रिव्यू है। इसमें से हर एक प्रोडक्ट कम से कम एक महीने के लिए यूज़ किया जा चुका है। इनफैक्ट ये जो हेलमेट है, इसे हम एक बार वॉश भी कर चुके हैं। ये प्रोडक्ट अमेजोन की तरफ से प्रॉपर बॉक्स में पैक्ड आया था, और इसके साथ ही नी पैड्स भी आए थे, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। 1500 रुपये MRP वाला ये प्रोडक्ट मुझे डिस्काउंट के बाद 499 रुपये में मिला है। लगभग 6 महीने की उम्र के बाद जब बच्चे पकड़ पकड़ के खड़ा रहना और चलना सीख लेते हैं, तब वो कई बार गिरते भी है। खास करके उनका मुंडन होने के बाद जब वो गिरते हैं, तब बालों का कुशन ना होने की वजह से उनके सर को चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त इस हेलमेट का बहुत यूज़ होता है। मैं आपको इस हेलमेट को खोल के दिखा देता हूँ। ये पूरी तरह से मॉड्यूलर है और वॉशेबल है। ये देखिए, इस तरह से पीछे से वेलक्रो अगर खोल दे तो ये इस तरह से पूरा खुल जाता है, जिससे कि आपको इसे वॉश करने में आसानी होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये अंदर प्रॉपर फोम का लाइनिंग दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, और इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ का लाइनिंग कॉटन का यूज़ किया गया है, जिसके वजह से बच्चों के लिए स्किन फ्रेंडली होता है। एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए अंदर की तरफ ये फोम की ये स्ट्रिप दी गई है। ये परफोरेटेड है और कॉटन की है, जिसकी वजह से पसीना भी नहीं आता है, और अगर आता भी है तो क्विकली सोक हो जाता है। ये फोम की स्ट्रिप पूरी तरह से रिमूवेबल है, जिससे कि इस हेलमेट को थोरली वॉश करना आसान हो जाता है। और याद रखें कि इस हेलमेट को आपको हैंड वॉश करना है, इसे मशीन में बिल्कुल नहीं डालना है। इस हेलमेट की साइज एडजस्टमेंट के लिए इस वेलक्रो की वजह से हमें काफ़ी फ्रीडम मिलता है। वेबसाइट के हिसाब से इसे 43 सेंटीमीटर से लेकर 56 सेंटीमीटर के हेड सरकमफेरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और मीटर टेप से नापने के बाद ये डायमेंशंस एग्जैक्टली करेक्ट पाई गई है। इसे पहनाने के लिए एक बात आपको बता दूं कि ये जो वेलक्रो वाली साइड है, ये बच्चे के सर के पीछे की तरफ आती है और ये साइड आगे की तरफ आती है। हेलमेट के प्रॉपर फास्टनिंग के लिए ये एक नेक बैंड दिया गया है, और ये नेक बैंड भी एडजस्टेबल दिया गया है, जिससे कि बेबी बड़ा हो या छोटा हो, ये हेलमेट प्रॉपरली फिट आ जाएगा। इस हेलमेट में 6 अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। एक ये है ब्लू कलर, दूसरा है ऑरेंज कलर, इसके अलावा 3 छोटा विंग के डिजाइन भी अवेलेबल है, और एक यूरी ग्रीन नाम से कैमोफ्लेज डिजाइन भी अवेलेबल है, जो बहुत ही स्मार्ट दिखता है। इस हेलमेट के साथ साथ हमें ये नी गार्ड्स भी मिले हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं ये नी गार्ड्स, और इसका मटेरियल तो इन्होंने दिया नहीं है, पर इसके स्ट्रेचेबिलिटी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ स्पैंडेक्स होगा और बाकी का पॉलिएस्टर हो सकता है। इस नी गार्ड के ऊपर ये नॉन स्लिप ग्रिप दी गई है, ये रबर की बनी हुई है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का बना हुआ है, और इसे 4-5 बार धोने के बाद भी ये देखिए, ये इसे निकल नहीं रहा है, अच्छे से चिपका हुआ है। अगर आपका बेबी क्रॉल कर रहा है तो उसके लिए ये गार्ड्स बहुत ही काम की चीज़ है। इस गार्ड की वजह से बेबी के घुटने तो प्रोटेक्ट होंगे ही, पर इस नॉन स्लिप ग्रिप की वजह से बेबी फिसलेगा भी नहीं। तो ओवरऑल ये नी गार्ड्स और हेलमेट दोनों भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये हो गया अपना हेलमेट का रिव्यू। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है किडो की तरफ से सेफ्टी लॉक्स। अपने घर में कई ड्रॉवर्स, शेल्व्स और कबर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लॉक्स नहीं होते हैं। जब बेबी 7-8 महीने के बाद बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, तब उनको हर दरवाजा खोल के देखना होता है, चाहे वो ड्रॉवर हो या वार्डरोब का दरवाजा। अगर इन दरवाजों के हैंडल्स को पकड़ के बेबी उठने की कोशिश करता है, तो अचानक से इन दरवाजों के खुलने की वजह से बेबी को चोट पहुंच सकती है। साथ ही में अगर आप ड्रॉवर्स में चाकू, छुरी या दवाइयां रखते हैं, तो इन हानिकारक चीजों को भी बच्चे को एक्सेस मिल जाता है, और इसीलिए इन दरवाजों को बंद करने के लिए ये आफ्टर मार्केट इजी टू इंस्टॉल लॉक्स अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये छोटा वाला पार्ट, इसे आप दरवाजे के बाजू के किसी भी स्टेशनरी सतह पर चिपका सकते हैं, और दूसरा होता है ये स्ट्रैप वाला पार्ट, जिसमें ये बटन होता है, ये देखिए इस तरह से ये प्रेस होता है और बाहर निकल सकता है स्टेशनरी पार्ट में से। इसका ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये वाला, ये स्टेशनरी पार्ट के इस खांचे में अटक जाता है। इस लॉकिंग प्रोसेस का डेमो इसी वीडियो में थोड़ी देर में दिया गया है। इसके इंस्टॉलेशन की अगर बात करें, तो ड्रॉवर या कवर्ड का जो भी एक स्टेशनरी पार्ट होता है, उस पार्ट पे ये छोटा वाला पार्ट जाता है। ये देखिए पीछे ये 3M का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव टेप दिया हुआ है। ये टेप एक स्टिकर की तरह है, और ये पीछे का पील करने के बाद आप इसे किसी भी स्टेशनरी सतह पे चिपका सकते हैं, और बाहर की तरफ खुलने वाला ड्रॉवर या फिर दरवाजे पर आपको ये जो स्टिकर वाला पार्ट है, ये चिपकाना है। और चिपकाते समय एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखें कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे में लॉक्ड पोजीशन में है, नहीं तो फिर इसकी लेंथ मिसमैच हो सकती है। प्रोडक्ट के फीचर्स की अगर बात की जाए, तो इसमें जो भी प्लास्टिक पार्ट्स है, ये सब ABS प्लास्टिक से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रॉपर वाइट फिनिशिंग में प्लास्टिक से। इसके ऊपर इन्होंने किडो का ब्रांडिंग भी किया हुआ है कुछ इस तरीके से,
और इसमें दो पार्ट्स को दो ABS प्लास्टिक के पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 1 inch का नायलॉन का मजबूत स्ट्रैप दिया गया है और इस नायलॉन स्ट्रैप को जोड़ने के लिए डबल स्टिचिंग का यूज़ किया गया है। ये पूरी असेंबली इतनी मजबूत है कि इसे पकड़ के मेरा बच्चा इसे लटक भी जाता है फिर भी ना इसका एडहेसिव निकलता है और ना ही इसका स्ट्रैप टूटता है। इसे इस्तेमाल करते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि इसे लॉक या अनलॉक करते समय बच्चों के सामने ना करें क्योंकि बच्चे बहुत ही क्विक लर्नर्स होते हैं और वो आसानी से सीख जाते हैं कि इसे अनलॉक कैसे करना है। दूसरी बात ये कि इसे इस्तेमाल करते समय ये आपको कितना भी इनकन्वीनियंट लगे फिर भी आपको इसे ध्यान रखते हुए लॉक करना है, नहीं तो इसे इंस्टॉल करके कुछ भी फायदा नहीं होगा और आपके बच्चे को हानि पहुँच सकती है। अब मैं आपको क्विकली इसका डेमो बता देता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉअर पे इंस्टॉल किया हुआ है। इसका ये एक स्टेशनरी पार्ट है और ये एक मूवेबल पार्ट है। ठीक से पर्सपेक्टिव देने के लिए इसे मैं थोड़ा सा आपको दूर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक ड्रॉअर है और ये इसका हैंडल है। अब मैं इसे खींच रहा हूँ पर ये निकल नहीं रहा है, ड्रॉअर खुल नहीं रहा है। पर इसे खोलने के लिए अगर मैं ये बटन दबा देता हूँ तो ये देखिए, खींचने के बाद ये आसानी से निकल जाता है। अब इसे लॉक करने के लिए फिर से स्ट्रैप वाले पार्ट को स्टेशनरी पार्ट में डाल दीजिए कुछ इस तरीके से। अब ये निकलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, अनलॉक नहीं होगा जब तक आप इसका बटन ना दबाएं। तो ये हो गया सेफ्टी लॉक्स का इंट्रोडक्शन, फीचर्स और डेमो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, जो है सनबेबी की तरफ से एक पॉटी ट्रेनिंग पॉट। 6-7 महीने बाद जब बच्चे बैठना सीख जाते हैं तब इस पर बिठा के अगर आप उन्हें बता दें कि इस पर पॉटी करनी है तो वो सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि बच्चे क्विक लर्नर्स होते हैं और जल्दी सीख जाते हैं, तो इस पर बिठा के अगर उनको पॉटी करना सिखाए तो वो क्विकली सीख जाते हैं। इसे हमने लगभग 2 से 2.5 महीने पहले खरीदा था और हम इसे रोज़ यूज़ करते हैं। पहले 1-1.5 हफ्ते के लिए तो बच्चे को समझ में नहीं आता था कि इस पर क्या करना है और वो सिर्फ इस पर बैठ के मज़े लेता था। फिर उसके बाद जब उसे समझ में आने लगा कि इस पर बैठ के पॉटी करनी है तो उसे इसकी आदत लग गई और पॉटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको बता दूँ कि हमारा बेबी 10 महीने का है। ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन से खरीदा था। इसका MRP था 350 रुपये पर मैंने 25 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसे 325 रुपये में खरीदा था। अब आइए हम क्विकली इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके साथ ये एक व्हाइट कलर का लीड आता है जो फ्रैंकली स्पीकिंग किसी काम का नहीं है, तो आप इसे बाजू में रख दीजिए। बच्चा इस पे यहाँ पे बैठता है, उसके पैर इस तरह से बाहर आते हैं और पीछे की तरफ ये बैक रेस्ट दी गई है। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है तो बच्चा इस पे अच्छे से सट के बैठ सकता है। इसका सिर्फ प्रॉपरली पिछली तरफ स्लोपिंग है तो बच्चा इस पे बैठने के बाद प्रॉपरली बैक रेस्ट पे सट के बैठता है। इसके सीट के कॉन्टूर्स की अगर बात करें तो ये जो पार्ट है इसका, ये प्रॉपरली वाइड दिया गया है और इसके एजेस भी बहुत स्मूथ दिए गए हैं जिसकी वजह से बच्चे के थाइस को ये टूटता नहीं है और बच्चे इस पर बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसका दूसरा थॉटफुल फीचर ये है कि अगर इसकी साइड प्रोफाइल देखी जाए तो सामने की तरफ ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ये जो इसका आगे वाला पार्ट है ये बच्चे की पी बाहर की तरफ स्प्लैश होने से रोकता है। पर्टिकुलरली अगर आपके पास बेबी बॉय है तो ये फीचर आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है। इसका तीसरा फीचर है ये हैंडल। पिछली तरफ और आगे की तरफ ये ऐसा एक छोटा सा खाँचा दिया गया है जिसकी वजह से आप इसको ऐसे प्रॉपरली पकड़ सकते हैं और उठा सकते हैं। इस तरह से आपको ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉट नीचे से कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो पार्ट है इसमें बच्चे की पॉटी जमा हो जाती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चे को इस पर बिठाने से पहले इसमें कागज़ या फिर पॉलीथीन रैप जो बाज़ार में मिलता है वो अगर इसमें रख दें तो इस पॉट को क्लीन करना और पॉटी को क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। ये बड़े काम की चीज़ है। अगर इस पे एक बार बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग मिल जाए तो उसको कमोड पे पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरी बात तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही थॉटफुल लगा, जैसे कि इसके जो एजेस है ये कॉन्ट्रूड है प्रॉपरली और स्मूथ है। आगे का ये जो स्प्लैश गार्ड है ये भी बड़े काम की चीज़ है और ये पिछला बैकरेस्ट बच्चे के कम्फर्ट का पूरा पूरा ख्याल रखता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन। जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद आए हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स थॉटफुली बनाए गए हैं। ये जो पॉटी पॉट है ये बच्चे को अर्ली एज में सैनिटेशन सिखाने के बहुत ही काम आएगा। ये सेफ्टी लॉक्स बच्चे को कबर के या ड्रॉर्स के अंदर के चाकू छुरी कैची या फिर दवाई या ऐसी हानिकारक चीज़ों से दूर रखने के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। और हेलमेट तो सबसे ज़रूरी है, पर्टिकुलरली अगर बच्चे का मुंडन हो चुका है तो उसके सर पर बालों का कुछ भी कुशनिंग नहीं रहता है, तो ऐसी केस में ये हेलमेट बहुत ही काम की चीज़ है। इसका कुशनिंग बहुत ही अच्छा दिया गया है और अंदर बाहर से दोनों तरफ से ये कॉटन का बना हुआ है जिसकी वजह से बच्चे के लिए स्किन फ्रेंडली भी रहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी काम की चीज़ के लिए 500 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।